गाइज़ अभी मॉर्निंग का टाइम है और मैं यहाँ पे आरव का लंच पैक कर रही हूँ क्योंकि आरव को स्कूल जाना है और मम्मी ने लंच बना के रख दिया था, तो इसलिए मैंने बस पैक कर दिया है। और यहाँ पे फिर मैं आरव को ड्रेस पहनाने लगी हूँ क्योंकि वो अपने आप से मतलब पहन लेता है पर ठीक से नहीं पहन पाता है, शर्ट बटन वटन नहीं वो कर पाता है, तो इसीलिए मैंने उसको रेडी कर दिया और उसके लोशन वोशन लगा के वो फुल रेडी हो चुका है। और ये कुछ बोल रहा था सुबह सुबह तो मैं सही से रिकॉर्ड नहीं कर पाई। फिर इसके बाद इसके बाल कॉम्ब किए और कैंडी हमारी पीछे इधर उधर घूम रही थी और आरा पूरा रेडी हो चुका है। अब इसकी स्कूल बस जल्दी आ जाती है तो इसलिए थोड़ा जल्दी उठना पड़ता है, तो मम्मी मुझे उठा देती है जल्दी ताकि अच्छे से आरव रेडी हो जाए। और मम्मी लंच बनाने लगती है चाय, तो इसलिए मैं उठ जाती हूँ और आरव को रेडी कर देती हूँ। इसके बाद फिर मम्मी ने सबके लिए चाय बनाई थी, तो फिर हम लोग चाय पी रहे थे गर्मा गर्म। और सुबह की चाय का तो मज़ा ही अलग होता है, सुबह की जो चाय है वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पे मैं अपनी सुबह की चाय इंजॉय कर रही हूँ सबके साथ और पापा आरव कुछ बात कर रहे थे आपस। तो यहाँ पे पापा आरव को बिस्कुट दे रहे थे खाने के लिए चाय के साथ, और पीछे कैंडी भी देख रही थी और कैंडी भी बिस्कुट मांग रही थी, अब तो मुझे दे दे, कब देगा बिस्कुट। तो आरव यहाँ पे बिस्कुट उसको दे ही रहा था। और फिर बाद में जब पापा ने उसको बोला कि बिस्कुट एक उसको भी दे दो, तो उसके बाद आरव ने कैंडी को एक बिस्कुट दिया और कैंडी बिस्कुट को अपने पास रखे थी, वो खा नहीं रही थी, उसको रखा था उसको बिस्कुट को और उसको देख रही थी। तो हम लोग इतना हंस रहे थे। पूरा रेडी खड़ा था और उसको लग रहा था कि फ़ोटो खींच रही है क्योंकि तन्नू दीदी ने उसे बोला कि अरे पोज दो, तो वो उसको लगा कि फ़ोटो खींच रहा है पर मैं उसका वीडियो बना रही थी। और बाद में बोलते हैं मौसी तुमने मेरी फ़ोटो नहीं खींची और तुम वीडियो बना रही थी। और यहाँ पे आरव अपने नाना को बहुत सारा प्यार दिखा रहा था और कैंडी की अलग ही चीज उदम मस्ती चलती रहती है। यहाँ पे आरव का बैग रखा था और कैंडी पता नहीं उसके बैग से क्या कर रही थी, खेल रही थी और उसका बैग पकड़ के घसीट रही थी, पूरा ताकत लगा रही थी बैग को खींचने में और पूरा बैग उसको खींच रही थी और उसको इतनी मज़ा आ रही थी कैंडी को बैग खींचने में, वो पूरा खींच खींच के अंदर तक ले गई। फिर उसके बाद दीदी का शूज़ उठा लाई तन्नू दीदी का, और फिर शूज़ उठाने के बाद उसको ऐसे ऐसे पटक रही थी, पता नहीं कौन से गुस्सा निकाल रही थी, किसके गुस्सा निकाल रही थी, शूज़ पटक रही थी तन्नू दीदी का। और तन्नू दीदी कहती है रख दो मेरा शूज़ और उसने रखा ही नहीं। फिर यहाँ पे मैं आरव का वीडियो बना रही थी कि आरव डांस करके दिखाओ या कुछ बोल के दिखाओ तो मैं तुम्हारा वीडियो बना दूँ। तो आरव खड़ा था और तन्नू दीदी यहाँ से बीच में ऐसे फिर वैसे निकल निकल के दिखा रहे थे, हम बोल रहे थे मत निकलो मत निकलो। तो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुहानी मिश्रा ब्लॉग्स। तो या आज मैंने ब्लॉग सुबह से स्टार्ट कर चुकी हूँ और हाँ अभी इंट्रो मैं अभी दे रही हूँ क्योंकि सुबह ना मैं आज 6 बजे उठी थी, कितनी बड़ी बात है। तो आज मैं 6 बजे उठी थी वो इसलिए क्योंकि आरव ना यहीं मतलब यहीं से नानी के घर से स्कूल जाता है, तो इसलिए उसको रेडी करने के लिए मैं उठ गई थी। मम्मी ने उसका लंच बना दिया था तो मम्मी ने मुझे उठा दिया था कि इसको आरव को रेडी कर दो, इसलिए मैं सुबह जल्दी उठी थी। और उसके बाद आरव को रेडी किया और फिर उसके बाद उसको स्कूल बस में बिठा ला और बस फिर मैंने सोचा कि बाद में इंट्रो कर दूंगी क्योंकि सुबह 6 बजे थे और मेरी नींद भी सही से नहीं खुली थी, तो इसलिए मैंने बाद में सोचा इंट्रो कर दूंगी। हाँ तो अब ना मैं और आज मेरा इंग्लिश का पेपर एग्ज़ाम है और आज इंग्लिश का एग्ज़ाम है, कल तो छुट्टी थी तो कल तो मज़ेदार था, तो बस अब आज का इंग्लिश का एग्ज़ाम हो जाएगा, उसके बाद मेरे 2 एग्ज़ाम बचेंगे और फिर उसके बाद छुट्टी ही है। तो हाँ तो आज का भी पेपर दे देंगे और देखते हैं कैसा जाने वाला है पेपर। तो आज मेरा पेपर है 1 बजे से, 1 बजे से है
तो अभी थोड़ी देर में कॉलेज के लिए भी रेडी होंगे। और मैंने एक वीडियो अपलोड कर एडिट वगैरह करके अपलोड भी कर दिया है, और आप लोगों ने अगर नहीं देखा तो जाके देख लेना, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। तो आज आगे देखते हैं क्या क्या करने वाले हैं। और कैंडी सो रही है, और मम्मी मम्मी अपने फ़ोन में कुछ कर रही हैं, तो वो अपना फ़ोन चला रही हैं। और दीदी गई है कोचिंग, और पापा पापा उसको छोड़ने गए हैं। तो या आज के ब्लॉग में बहुत क्या क्या दिखाने वाले हैं वो आप देखो और इन्जॉय करो ब्लॉग को। और अब मैं मिलूंगी आपको थोड़ी देर में, और मैं ब्रेकफास्ट भी कर चुकी हूँ, और मेरा आज इंग्लिश का एग्ज़ाम है, तो मुझे उसकी भी थोड़ी सी तैयारी करनी है ताकि अच्छे से एग्ज़ाम दे पाऊँ है ना, इसलिए तो इंग्लिश के एग्ज़ाम की भी तैयारी कर लेते हैं। और चलो तो फिर मैं आपको थोड़ी देर में मिलूंगी। सो गाइस, आप लोग ना, अच्छा मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछती हूँ, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि कौन सा बच्चा, मतलब कौन से ऐसे लोग हैं जिनको एग्ज़ाम मतलब बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है, और कौन से ऐसे नहीं है कि जिनको एग्ज़ाम मतलब ठीक ठाक हाँ अच्छे लगते हैं, मतलब ज़्यादा पसंद नहीं है। तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, क्योंकि मैं ये जानना चाहती हूँ, और मैं सबके कमेंट देखूंगी कि मतलब ऐसा कौन है भाई जिसको एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा पसंद है। मेरे ख्याल से बहुत ही कम लोग होंगे, पर कोई नहीं, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करना और मैं फिर उसको देखूंगी। तो हे गाइस, अभी ना मैं शावर आवर लेके रेडी हो गई हूँ कॉलेज जाने के लिए, क्योंकि अभी एग्ज़ाम है, तो हाँ एग्ज़ाम का टाइम होने वाला है, तो अभी बस मैं निकल रही हूँ कॉलेज के लिए, और कॉलेज जाऊँगी, एग्ज़ाम लिखना है तो, और फ़ोन लेके नहीं जान फ़ोन लेके अलाउ नहीं है क्योंकि एग्ज़ाम है, इसीलिए। वैसे जब कॉलेज में पढ़ाई स्टडी होती है तब तो फ़ोन अलाउ होता है, पर अभी एग्ज़ाम चल रहा है तो इसलिए फ़ोन नहीं अलाउ है। तो रास्ते में मैं आपको नहीं दिखाऊंगी, रास्ते में आपको दिखा नहीं पाऊंगी, तो कोई बात नहीं, घर पे आऊंगी उसके बाद मैं आपसे मिलूंगी, और अभी जा रही हूँ मैं एग्ज़ाम देने। तो चलो अब मैं घर पे आके आपसे मिलती हूँ, और मम्मी सो रही हैं, और थोड़ी देर ना मैं भी सो गई थी क्योंकि रात भर मैंने वीडियो एडिट किया था, तो मेरे सर में ना थोड़ा दर्द हो रहा था, तो इसीलिए मैं भी थोड़ी देर सो गई थी। फिर अभी उठी, चावल लिया और कॉलेज के लिए रेडी हो गए, और अब जा रहे हैं एग्ज़ाम देने, और अब मैं मिलूँगी आपको जब घर आ जाओ, तब तक आरब भी आ जाएगा, फिर हम दोनों आपको एक साथ मिलते हैं। तो चलिए बाय बाय, थोड़ी देर बाद मिलते 2,000 years later. हैं। तो अभी ना कॉलेज से आने के बाद मम्मी ने लंच बनाया, मम्मी ने बनाया है भिंडी की सब्जी, दाल चावल रोटी, तो ये पूरा लंच था, और अब मैं लंच कर लेती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। सो गाइज, अभी ना मैं कॉलेज से आ गई हूँ एग्जाम देख के, और मैंने लंच भी कर लिया है, आरव भी स्कूल से आ गया है और वो भी लंच कर चुका है। कुछ बोलना चाहोगे क्या? तो गाइज, अभी ना हम दोनों आ चुके हैं, तो आरव गाना गा रहा है कोई, तो अभी ना हम दोनों लोग थोड़ी देर आराम कर लेते हैं, लंच वंच कर लिया, अब हम लोग थोड़ी देर आराम करेंगे, और आराम करने के बाद आपसे मिलते हैं थोड़ी देर में। सो गाइज, अभी हो चुकी है शाम, और 6 बज गया है शाम का, और मम्मी वॉक कर रही है, कैंडी उनके पीछे पीछे है। तो अभी ना मैं ब्लॉग को यहीं पे एंड तो अभी ना मैं अपने ब्लॉग को यहीं पे एंड कर रही हूँ। अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया तो आपको पता है क्या करना है, मेरे वीडियो को लाइक करना है, और अपने फ्रेंड्स अपने फैमिली के साथ शेयर करना, और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, और अच्छी अच्छी वीडियोज़ आएंगी और आप उनको देखना इन्जॉय करना, तो या सब्सक्राइब ज़रूर करना चैनल को। तो अब मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखें।